आदित्य पंचोली और कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों कंगना रनौत ने आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आदित्य पंचोली पर अटैक करने और शोषण करने का आरोप लगाया था। करीब एक दशक पहले की इस घटना पर की गई कंप्लेंट के बाद अब आदित्य के बचाव में उनकी वाइफ जरीन बहाव उतर आई है। जरीना का कहना है कि कंगना ने उनके पति पर जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत है। कंगना ने जब आदित्य पर रेप के आरोप लगाए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो जरीना और आदित्य की बेटी जैसी है। इस पर जरीना ने जवाब देते हुए कहा कि आदित्य ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उनका कहना है कि कंगना आदित्य को 4.5 साल डेट कर रही थी, ऐसे में वो कैसे कंगना को बेटी जैसी मान ले। आपको बता दें, कंगना जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी तब कई सालों तक उनका अफेयर आदित्य के साथ रहा। कंगना जब बॉलीवुड में आई थी तो वो आदित्य पंचोली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। शादीशुदा आदित्य वाइफ जरीना बहाव और बच्चों को छोड़कर कंगना के साथ रहने चले गए थे, लेकिन बाद में जब कंगना बॉलीवुड में पॉपुलर हो गई तो दोनों का ब्रेकअप हो गया। आदित्य अपने परिवार के पास वापस लौट आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जरीना के इस स्टेटमेंट पर अब कंगना का कैसा रिएक्शन आता है। वेल, बॉलीवुड की ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस को, बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।